ओके स्टार्ट करते हैं डेटाबेस के लिए। ये हमारी एक्सएमएल है, एक्सएमएल थोड़ा डिजाइन कर लेते हैं हम। मैं यहाँ पे लीनियर लेआउट यूज कर रहा हूँ, ओरिएंटेशन दे दिए मैंने इसको वर्टिकल। इसके बाद ये हमारा टेक्स्ट व्यू है, हम यहाँ पे टेक्स्ट व्यू यूज नहीं कर रहे। मैं यहाँ पे एडिट टेक्स्ट लगा देता हूँ, एडिट टेक्स्ट मैच पेरेंट रैप कंटेंट, इसमें मैं हिंट दे देता हूँ एंटर योर नेम। डन। एक और हम बना लेते हैं, एंटर योर फादर नेम। एक हम बना लेते हैं एंटर योर एज, एंटर योर मार्क्स। ठीक है, और एक बना देंगे स्पिनर मैच पेरेंट रैप कंटेंट, और स्पिनर हम किसके लिए बनाएंगे, सिटी के लिए। डन। अब ये हमारा एडिट टेक्स्ट है, इस एडिट टेक्स्ट के अंदर एंटर योर नेम, इसकी टाइप बतानी पड़ेगी मुझे, इनपुट टाइप। इसका हम यूज कर लेते हैं टेक्स्ट पर्सन नेम के नाम से। डन। ये किसी का नाम है, उसके अलावा इसको भी हम रख, अगर आप टेक्स्ट भी रखते हो तो भी कोई इशू नहीं है। डन। टेक्स्ट पर्सन नेम, एज में हम रख देते हैं नंबर, मार्क्स में हम रख देते हैं नंबर डेसिमल। ठीक है, पॉइंट्स वाले नंबर, और अगला आपका स्पिनर है। अच्छा, इसके अलावा एक हम बना लेते हैं पासवर्ड का भी बना लेते हैं, या पासवर्ड रहने दो। ये हमारा टेक्स्ट पर्सन नेम, ये हमारा फादर नेम हो गया, और इसके नीचे हम बना लेते हैं यहाँ पे दो और बना लेते हैं, एंटर योर ईमेल, और एक बना लेते हैं एंटर योर पासवर्ड। डन। इसको हम इनपुट टाइप दे देते हैं टेक्स्ट ईमेल एड्रेस, और इसको इनपुट टाइप हम दे देते हैं पासवर्ड, नंबर पासवर्ड। क्लियर बात यहाँ तक? ये कुछ लास्ट लेक्चर है जो मैंने आप यहाँ पे करवा दिए। ओके यार, हमने अभी देखा है, हमने यहाँ पे एडिट टेक्स्ट बनाए हैं, दिस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और ये सिक्स्थ, और एक स्पिनर था। डन। ये हमारा एडिट टेक्स्ट हो गया, इसको हम आईडी दे देते हैं ईटी नेम के नाम से, इसको हम आईडी दे देते हैं ईटी एफ नेम के नाम से, इसको आईडी दे देते हैं ईटी ईमेल, इसको आईडी दे देते हैं ईटी पासवर्ड, इसको आईडी दे देते हैं ईटी एज, इसको आईडी दे देते हैं ईटी मार्क्स, इसको हम आईडी दे देते हैं स्पिनर कंट्री। डन। ये हमने आईडीज दे दी हैं, अब आपके ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लगा देंगे पैडिंग ताकि थोड़ा बहुत उसमें आए, 20 dp, और यहाँ पे हम लगा देंगे मार्जिन बॉटम 15 dp। आपने मार्जिन बॉटम हर जगह लगा देना है ताकि हर किसी में यहाँ पे ऑटोमेटिकली गैप आ जाए। ये मैं हर किसी के अंदर लगा रहा हूँ मार्जिन। अब आप यहाँ पे देखेंगे आपका ऑटोमेटिकली सेट है। क्लियर बात यहाँ तक? अच्छा, इसके बाद हमने लगाना एक बटन, क्योंकि आप बटन नहीं लगाओगे तो आपका सबमिट कैसे होगा। क्लियर? मैं यहाँ पे बटन लगाऊंगा मैच पेरेंट रैप कंटेंट, इसके अंदर टेक्स्ट में मैं रख देता हूँ सेव रिकॉर्ड। डन। और इसका ऑन क्लिक मैं लगा देता हूँ, मैं वहाँ पे चैट ऑन क्लिक लिस्टनर यूज़ नहीं करूँगा, मैं क्या यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे ऑन क्लिक डायरेक्ट। आपको उस तरह करना का उस तरह भी कर दो, मैं यहाँ पे सेव का एक फंक्शन बना रहा हूँ। डन। ऑल्ट एंटर, और आपका ऑटोमेटिकली सेव का यहाँ पे फंक्शन बन गया। क्लियर? और ये व्यू आपको क्या चीज़ है, ये आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पैरामीटर क्यों देने पड़ते हैं, क्योंकि जो आपका सिंपल फंक्शन होता है उसकी डिक्लेरेशन ऐसे ही होती है
लेकिन उसके अंदर व्यू का ये पैरामीटर नहीं होता। जब व्यू का मतलब होता है ये आपको बता रहा होता है कि आपकी एक्सएमएल से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है ये आपके एक्सएमएल से आ रहा है, इसका एक्सएमएल से लिंक है। ओके इसके बाद एक बटन और बना लेते हैं, मैच पेरेंट रैप कंटेंट, और इसको मैं यहाँ पे टेक्स्ट दे देता हूँ क्लियर का, ठीक है। और यहाँ पे ऑन के लिए लगा देता हूँ मैं रीसेट, एक आपका रीसेट का भी बटन होता है ना, जो रीसेट का बटन हमारा क्या करता है, जो पूरे फॉर्म को खाली कर देता है। डन, क्लियर हो गई आपकी, आपको ऑटोमेटिक फॉर्म मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। ओके डन, अच्छा अब इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट करना है। अच्छा इसके साथ ये हमारा स्पिनर है, स्पिनर में है कंट्री, इसके अलावा हम एक यहाँ पे रेडियो भी लगाते हैं, रेडियो बटन जो होता है फॉर जेंडर, जेंडर के लिए आप स्पिनर भी लगा सकते हो, और इसके अलावा हम क्या लगा सकते हैं, रेडियो बटन भी लगा सकते हैं, ठीक है। स्पिनर तो आपको लगाना आता है, हमें रेडियो बटन की बात कर लेते हैं, ठीक है। रेडियो कैसे लगाते हो, आपको सबसे पहले एक रेडियो ग्रुप लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, रेडियो ग्रुप, ग्रुप का मतलब होगा जिसके अंदर आपके बटन होंगे। एच टी एम एल में आप जब लगाते थे बटन, एच टी एम एल किसने पढ़ी हुई है, तो आपको एक नेम का एट्रीब्यूट लगाना पड़ता था साथ, वो क्यों लगाते थे हम, ताकि सारी सिलेक्शन ना हो। अगर आप नेम का एट्रीब्यूट नहीं लगाते हो तो दोनों को सिलेक्ट कर रहा होता था वो, हम नेम का नाम इसलिए सेम रखते थे ताकि उन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करे। तब यहाँ पे हम नेम वाला काम तो नहीं है, तो इसको हम एक ग्रुप में रखते हैं, क्लियर बात यहाँ तक। इसकी मैं यहाँ पे ये मैच पेरेंट हो गया, और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ रैप कंटेंट, और इसकी आईडी मैं दे देता हूँ रेडियो जेंडर ग्रुप, क्लियर बात यहाँ तक। इसको मैंने आईडी दे दी, अब इस रेडियो ग्रुप के अंदर मैं यहाँ पे लगाऊंगा रेडियो बटन, ठीक है। यहाँ पे मैं लगाऊंगा रेडियो बटन, ये रैप कंटेंट, और ये भी मैं कर देता हूँ यहाँ पे रैप कंटेंट, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट दे दूंगा मेल, क्लियर। इसके साथ एक और हम लगा लेते हैं, और यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ फीमेल, और इसको मैं यहाँ पे आईडी दे देता हूँ रेडियो मेल, और इसको मैं आईडी दे देता हूँ सॉरी रेडियो फीमेल। डन, मैंने रेडियो पहले ग्रुप लगाया विद मैच पेरेंट रैप कंटेंट, और इस ग्रुप को मैंने एक आईडी दे दी। डन, इसके अंदर मैंने दो रेडियो बटन से लगा रहा हूँ, आपने जितने लगाने आप लगा सकते हैं। मैंने दो रेडियो बटन लगाए हैं, रैप कंटेंट, रैप कंटेंट, इसके टेक्स्ट क्या रख दिया मैंने मेल, और इन दोनों की मैंने आईडी डिफरेंट रखी हुई, और इसके अंदर टेक्स्ट मैंने क्या दे दिया फीमेल। अब अगर आप डिजाइन देखते हो, ये देखो आपको डिजाइन नजर आ रहा है, डन क्लियर यहां तक, कोई इशू। ओके इसके बाद अब हम आगे देख लेते हैं, अब इधर आ जाते हैं मैं यहाँ पे। अब हमने ऑब्जेक्ट बनाने हैं, अब हमने यहाँ पे क्या करने हैं, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं प्राइवेट एडिट टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट के हमारे कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे, एक हमारा नेम है, एक हमारा फादर नेम का एक हमने बनाया, एक हमारा नेम है एफ नेम, ईमेल पासवर्ड एज, ईमेल पासवर्ड और एज, और
मार्क्स हो गया हमारा 80 मार्क्स, डन। ये सारे हमारे किसके ऑब्जेक्ट थे, एडिट टेक्स्ट के। अब उससे अगला हमारा क्या यूज हुआ है यहाँ पे, रेडियो ग्रुप। तो आपने यहाँ पे एक बनाना है रेडियो ग्रुप का, और यहाँ पे लिख देंगे आर ग्रुप के नाम से मैं बना रहा हूँ, ठीक है। एक आपने बनाना है रेडियो बटन भी हमने यूज किया है, एक आपने बनाना है आर जेंडर बीटीएम, क्लियर। एक हमने ग्रुप यूज किया हुआ है और एक हमने रेडियो बटन यूज किया, मैंने दोनों के ऑब्जेक्ट बनाने हैं। ग्रुप का भी बनाने हैं और बटन का क्यों बनाना है इसका भी मैं आपको रीजन बताऊंगा, ठीक है। रेडियो ग्रुप भी हमने एक बनाया टैग यूज किया, उसके अंदर हमने रेडियो बटन यूज किया है, मैंने दोनों के ऑब्जेक्ट बनाने हैं, क्लियर। इसकी रीजन कहीं भी आपको क्लियर हो जाएगी, ओके। अच्छा, उसके अलावा मैंने और कौन से बटन मैंने बनाने हैं, स्पिनर यूज किया हुआ है, एक स्पिनर का ऑब्जेक्ट बनाना है और यहां पे लिख देता हूं एसपी कंट्री के नाम से, क्लियर। उसके अलावा मैंने नीचे दो के यूज किए हैं, मैंने बटन यूज किए हैं और मुझे बटन की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मैंने डायरेक्ट ऑन क्लिक लगा दिया। यहां तक कोई मसला आपको, क्लियर। इसकी मेमोरी एलोकेट कर देते हैं हम यहां पे, इसकी मेमोरी एलोकेट कर देते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं et name is equal to find view by id r dot id dot et name, उसके अलावा et f name is equal to find view by id r dot id dot et f name, उसके नेक्स्ट है हमारा ईमेल, et email is equal to find view by id r dot id dot et email, नेक्स्ट है et password is equal to find view by id r dot id dot et password की id लगा दी। उसके अगला age और marks, et age is equal to find view by id r dot id dot et age, और et marks is equal to find view by id r dot id dot et marks, clear। id text सारे join कर दिए। उसके बाद हमारे एक रेडियो ग्रुप है, रेडियो ग्रुप को कर देते हैं यहाँ पे आर ग्रुप इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट रेडियो जेंडर ग्रुप, हमने इसका नाम रखा तो सका, ठीक है। ये दोबारा देख लेते हैं, मैं यहाँ पे आता हूँ, ये देखो रेडियो ग्रुप की मैंने आईडी यहाँ पे क्या रखी थी, रेडियो जेंडर ग्रुप, ठीक है, बात यहाँ तक। अच्छा, रेडियो बटन की अभी हम आईडी नहीं बना रहे, वो कहाँ बनाएंगे वो अभी आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके अलावा हमारा क्या रह गया, अगर हम रेडियो जेंडर को स्किप करते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्पिनर, एस पी कंट्री इज इक्वल टू आर डॉट आई डी डॉट, इसकी हमने आईडी क्या रखी थी यहाँ पे, स्पिनर कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी आईडी में यहाँ पे क्या रख रहा हूँ, स्पिनर कंट्री, ओके। यहाँ तो कोई मसला, ओके। अच्छा, इनकी यहाँ पे हमने सिर्फ वैल्यू गेट करनी है, लेकिन गेट करने से पहले आपको मैं डेटाबेस बता दूँ, डेटाबेस हमने कैसे बनानी है उसको हम देख लेते हैं। आपने डेटाबेस बनाने के लिए आपको क्लास चाहिए, एक्टिविटी की बात नहीं करो, हमने क्या बनानी है, क्लास, ठीक है, जो हमने बैकेंड पे चलानी है, जो हमारी डेटाबेस सारा काम कर रहा हो, क्योंकि एक्टिविटी हमारा एक पेज होता है, हमने पेज नहीं बना रहे, पेज हमारा यही है कि जो हमारे सामने फॉर्म नजर आ रहा है, पेज हमारा यही है, लेकिन इसके बैकेंड पे हमने एक क्लास लाएंगे जो हमारी डेटाबेस में डेटा सेव करेगा, क्लियर बात यहाँ तक। उस क्लास का जो मर्जी नाम रख दो, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू में जा रहा हूँ, किस पे क्लिक करूँ, जावा, मुझे क्लास चाहिए, जावा क्लास पे क्लिक किया, अब आपसे नेम पूछ रहा है कि क्या नाम रखना है, ओके। मैं यहाँ पे कोई भी नाम रख दो, डेटाबेस रखना चाह रहे हो, कुछ भी है, मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ माई डी बी के नाम से, मैंने क्या नाम रख दिया, माई डी बी, ठीक है, कुछ भी तरह से नाम रख सकते हैं। अच्छा, ये आपसे पूछ रहा है सुपर क्लास, सुपर क्लास का मतलब है कि यहीं पे बता रहा है कि आपने इसको पेरेंट कौन सा बनाना है, यहीं पे अगर टाइप कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वहां पे एक्सटेंड लिखा हुआ नजर आएगा आपको, लेकिन हम इतना करना नहीं चाह रहे, इंटरफेस कुछ बताना है तो इंटरफेस बता दो, मतलब पेरेंट वाला, पेरेंट की बात कर रहा है तो वहां पे क्या लिखा है, इंप्लीमेंट्स, इंटरफेस के लिए इंप्लीमेंट यूज करते हैं ना, इंप्लीमेंट्स, लेकिन हम इस तरह का कोई काम नहीं करना चाह रहे, ये हम खुद बताएंगे। बाकी ये बता रहा है क्लास की विजिबिलिटी क्या रखनी है और मॉडिफायर क्या लगाना है, क्लास के साथ फाइनल लगाना है, एब्स्ट्रैक्ट लगाना है, ये होता है, उसके अलावा तो नहीं कोई मॉडिफायर होते हैं, डन। अभी हम इतना कुछ नहीं बता रहे, ये हम बाद में भी कर सकते हैं,
ठीक है, सिर्फ मैंने क्लास का नाम बताया और मैंने कुछ भी नहीं किया और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया, डन। अच्छा अभी ये आपकी ना सिंपल एक क्लास है, सिंपल सी ये क्या है क्लास, आपने इसको डेटाबेस की क्लास बनानी, क्या बनानी है डेटाबेस की क्लास। तो क्या करोगे, इसको हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर से, किससे एक्सटेंड करना पड़ेगा एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर से। जब आप इसको एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर से एक्सटेंड करोगे, अब हमारी माई डीबी हमारी डेटाबेस की क्लास बन गई है, बात यहां तक ओके। ये अब आपको एरर इसलिए दे रहा है, ये आपको कह रहा है कि मेरी जो एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर है ये मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, मेरी क्या है एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो उसके कुछ क्या होंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगे जो हमें इस क्लास में आके डिफाइन करने हैं, वो वही कॉन्सेप्ट है। आप यहाँ पे इंप्लीमेंट मेथड पे क्लिक करोगे और ये दो मेथड्स आपको ये बताने हैं, एक ऑन क्रिएट है, दूसरा कौन सा है ऑन अपग्रेड। इंटर में पूछा जाता है कि एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर से एक्सटेंड करने के बाद कौन से दो मेथड आपके अवॉइड होते हैं, एक आपका ऑन क्रिएट होता है, दूसरा हमारा कौन सा होता है ऑन अपग्रेड, नॉट अपडेट अपग्रेड। ठीक है, ये दो मैंने यहाँ पे ओवरराइड किए, ठीक है, तभी ओवरराइड लिखा नजर आ रहा। अच्छा अभी स्टिल एरर दे रहे हैं, ये एरर अब किस चीज का दे रहा है, हमें एक कंस्ट्रक्टर भी चाहिए, या वो कह रहा है इसका एक कंस्ट्रक्टर भी बनाओ क्लास का। ठीक है, खुद कोड करना चाहो खुद कोड कर दो, या इस तरह करे कर दो क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर, मतलब सुपर का मतलब पैरेलल कंस्ट्रक्टर चलाएगा, पहले वाला मैंने यूज कर दिया, ये आपका ऑटोमेटिकली लग डन बाद यहाँ तक कोई मसला यहाँ तक ओके। अच्छा ये हमारा है पब्लिक माई डीबी का ही मेरा क्लास नेम कंस्ट्रक्टर बन गया डन। अच्छा इसके अलावा ये जो लिखा हुआ है इनको हम रिमूव कर देंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिखना है आपने कॉन्टेक्स्ट डन, ये बाकी ये जो भी आ रहा है इसको हम रिमूव कर लेंगे, ये मसला है इसमें। ओके यहां तक ही मसला, कोई मसला नहीं। अच्छा अब ये चीज क्या कह रहा है, अब आपको पता है जब हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है उसका मतलब क्या होता है, जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब हम उसकी क्या करते हैं वैल्यूज देते हैं, क्या देते हैं वैल्यूज देते हैं। ये स्ट्रिंग नेम जो आपसे मांग रहा है, ये आपसे मांग रहा है डेटाबेस नेम, क्या मांग रहा है डेटाबेस नेम। तो आपको जब जब ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा आपको बार बार डेटाबेस नेम देना पड़ेगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको एज अ पैरामीटर पास नहीं करना चाह रहा, मैं इसको अभी यहीं पे फिक्स कर दूंगा डन। मैंने जब भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा मुझे डेटाबेस नेम देने की जरूरत नहीं है, तो हमने ये आगे कुछ भी यूज नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट के अंदर क्या रखना है कॉन्टेक्स्ट रखना है। और कॉन्टेक्स्ट क्या होता है ये आपको मैंने बताया हुआ है, कॉन्टेक्स्ट की डेफिनेशन है करंट को पॉइंट आउट करना कि हम किस में काम कर रहे हैं, किस एक्टिविटी में काम कर रहे हैं, इसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। जिस तरह हमने लिखा था कॉन्टेक्स्ट की जगह मेन एक्टिविटी डॉट दिस, एक आपको मैंने बताया था दिस भी लिख सकते हो, और एक आपको मैंने बताया था गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, तीनों ऑप्शन है आपके पास, तीनों आपकी चलेंगे धन्यवाद यहाँ तक। तो कॉन्टेक्स्ट हम यूज करते हैं कि आपने किस एक्टिविटी में काम कर रहे हैं, आप उसका बता रहे होते हैं, हम एड्रेस दे रहे होते हैं धन्यवाद यहाँ तक। सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ पे क्या रखना है कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर में कॉन्टेक्स्ट। अच्छा जो पैरामीटर में आ रही थी वैल्यू वो ये नीचे पास कर रहा था, देख रहे नहीं, अब यहाँ पे एरर आ गई कि हमने पैरामीटर से खत्म कर दिया, कॉन्टेक्स्ट में से नहीं है, कॉन्टेक्स्ट अभी ऊपर है। अच्छा ये नेम का है, यहाँ मैं पैरामीटर का जरूर नहीं दूंगा, मैं वैल्यू फिक्स कर दूंगा, डेटाबेस का नाम जो मर्जी रख दो, मैंने नाम रख दिया यहाँ पे एबीसी डॉट डीबी, डेटाबेस का नाम मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, मेरी जो डेटाबेस बनेगी वो किस नाम से बनेगी एबीसी डॉट डीबी डन। उसके बाद ये जो हमारा फैक्ट्री है इसको आपने देना है नल, ठीक है, और वर्जन कोई भी दे दो कुछ भी नंबर लिख दो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1, ठीक है। ये वर्जन ये होता है यार कि जिस तरह आपकी बुक होती है उसका एक पहला वर्जन निकलता है, जब आपकी बुक अपडेट होती है क्या होता है उसका 1.1, इसको हम एडिशन कहते हैं गुड। तो ये वही समझ लो ये वर्जन है, तो अगर आपने अपडेट करना हो तो आप यहाँ पे सिर्फ नंबर बदलते हो, लेकिन नंबर बदलना भी कोई ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जब आप सॉफ्टवेयर उसमें काम कर रहे हो तब आपको करना पड़ता है, तब आप बताते हो कि ये मेरी न्यू डेटाबेस है अपडेटेड है, तो वो वर्जन नंबर से चेक कर लेता है कि 2 अगर लिखा और आप अगर 3 दे रहे हो तो समझ लेगा कि इसने कोड में चेंजिंग की हुई है डन। लेकिन अगर आप अपडेट नहीं भी करते हो नंबर 1 का 1 रहने दो तो कोई इशू वाली बात नहीं है, क्लियर बात यहाँ तक, ये कोई इफेक्ट नहीं करता। बाकी इसको आपने नल रखना होता है, और ये हमारी क्या है डेटाबेस नेम डन क्लियर।
ओके गुड। अच्छा ऑन क्रिएट के अंदर अब हमने क्या करना है, ऑन क्रिएट के अंदर हमने आपका जब भी आपकी कोई एक्टिविटी स्टार्ट होती है ना, कुछ भी चलता है, सबसे पहले आपको जो बाय डिफॉल्ट है वो आपका ऑन क्रिएट चलता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्यूरी लिखनी है, ये आपको डीबी का पैरामीटर यहाँ मिल रहा है, डीबी आप यहाँ पे लिखोगे डीबी जो ऊपर यूज हो रहा है डॉट एग्जीक्यूट एसक्यूएल। एग्जीक्यूट एसक्यूएल का मतलब है यहाँ पे आपने लिखनी क्यूरी। एग्जीक्यूट एसक्यूएल का मतलब यहाँ पे कि आपने यहाँ पे क्या लिखनी है क्यूरी। ये बिल्ट इन फंक्शन है एग्जीक्यूट एसक्यूएल, ये हम यूज करते हैं एसक्यूएल क्यूरीज को चलाने के लिए। क्लियर बात यहाँ तक? आपने डबल कोट्स में देनी है, मतलब स्ट्रिंग में देनी है। अच्छा मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, हमने टेबल का कोड लिखना है, क्रिएट टेबल, टेबल नाम क्या रख देता हूँ मैं स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद हम क्या लगाते थे टू राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है, और इस राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या देते थे, बिल्कुल। अच्छा अब ये टेबल जो हमारा बनेगा ये हमारा फॉर्म के मुताबिक बनेगा, क्योंकि आपका टेबल और आपका फॉर्म ये दोनों सेम होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके फॉर्म से वैल्यू जाएंगी। तो ये ना हो आपने टेबल के अंदर कॉलम बनाया नेम, फादर नेम, एज, सिटी, कंट्री, और फॉर्म के अंदर आपने सिटी को मेंशन ही नहीं किया, तो सिटी की वैल्यू कैसे पिक करके सेव करवाओगे? डन। तो जो आपके कॉलम्स हैं उसके मुताबिक आपका क्या हो, फॉर्म हो, कि वहीं से वैल्यू पिक करके वैल्यू कहाँ पे भेजे आपके टेबल्स के कॉलम्स में। डन बात यहाँ तक? तो हमारा यहाँ पे किस हिसाब से था देख लेते हैं, एक नेम, एक फादर नेम, डन, ये कॉलम बना लेते हैं। एक में लिख देता हूँ यहाँ पे नेम, दूसरा लिख देता हूँ या मैं एफ नेम लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं। उसके अलावा ईमेल पासवर्ड एज, ईमेल पासवर्ड एज, ये सारे मेरे कॉलम्स नेम चाह रहे हैं, ठीक है। मार्क्स, उसके अलावा कौन सा है, जेंडर, कंट्री, जेंडर हो गया, कंट्री हो गया, उसके अलावा बटन हैं, ठीक है। बाकी हमारा काम नहीं, हमने सिर्फ इनकी वैल्यूज पिक करनी है ना। मैंने यहाँ पे ये बता दिया ये मेरे सारे कॉलम्स नेम है, नेम हो गया, एफ नेम, ईमेल, पासवर्ड, एज, मार्क्स, जेंडर और कंट्री, हम इसलिए ही बताते थे। उसके बाद क्या लिखते थे इसके साथ, उसकी डेटा टाइप, ठीक है, इसकी टाइप में रख देता हूँ टेक्स्ट, टेक्स्ट रख दो, कोई इशू वाली बात नहीं है। इसकी भी टाइप रख देता हूँ मैं टेक्स्ट, ईमेल की टाइप भी रख देते हैं टेक्स्ट, पासवर्ड की टाइप हम रख देते हैं इंटीजर, क्योंकि वहाँ पे मैं नंबर में ले रहा हूँ तो यहाँ पे भी आप क्या रखो इंटीजर, टेक्स्ट भी रख देते हैं कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसकी भी क्या रख देता हूँ मैं इंटीजर, मार्क्स को भी मैं रख देता हूँ डबल, डबल कर दो या रियल कर दो कोई इशू वाली बात, सारी चलता है। जेंडर, टेक्स्ट और कंट्री हमारा टेक्स्ट, सबको टाइप मैंने दे दी, यहाँ तक कोई इशू, क्लियर। अच्छा अब जो अगली बात है, हमने एक प्राइमरी की भी देनी होती है, क्लियर। अब प्राइमरी की का मसला है, मैं यहाँ पे किसको प्राइमरी की लगाऊंगा, ईमेल को लगा दूंगा, लेकिन अगर दो भाइयों के सेम ईमेल हुए फिर मैं इसके लिए एक सेल और बना लेता हूँ यहाँ पे, कॉलम सॉरी आईडी के नाम से बना लेता हूँ आईडी, और यहाँ पे दे देता हूँ इंटीजर, इसको यहाँ पे लगा देता हूँ प्राइमरी की, क्या लगा दिया मैंने यहाँ पे इसको प्राइमरी की, और आईडी मुझे, आईडी का मुझे यहाँ पे सेल बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आईडी को यहाँ पे लगा देता हूँ ऑटो इंक्रीमेंट में, मैंने आईडी को किस पे लगा दिया ऑटो इंक्रीमेंट में। डन बात यहाँ तक? क्या ऑटोमेटिकली मुझे आईडी देने की जरूरत नहीं है, आपका नया रिकॉर्ड एंटर होगा ऑटोमेटिकली उसकी आईडी जनरेट हो जाएगी, कोई मसला यहाँ तक?
ये आपका ऑटोमेटिक टेबल क्रिएट कर देगा, ठीक है। और ऑन अपग्रेड के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा अगेन डीबी, जो इसका ऊपर ऑब्जेक्ट बना हुआ है डीबी डॉट एग्जीक्यूट एसक्यूएल, और यहां पे मैं लिखूंगा ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट स्टूडेंट डनवर। यहां तक मैं यहां पे कह रहा हूं कि अगर अपग्रेड करते हुए अगर दोबारा मैं टेबल बना रहा हूं तो पिछले टेबल को रिमूव कर दे, मतलब अगर मैं दोबारा टेबल बना रहा हूं तो दोबारा टेबल हमारा क्रिएट नाउ, ठीक है। और इसके नीचे मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऑन क्रिएट का फंक्शन कॉल करूंगा और उसके अंदर मैं यहाँ पे पास कर दूंगा डीबी, डीबी हमारा यहाँ पे क्या है ये वाला ऑब्जेक्ट। डन बाजी, यहाँ तक कोई इश्यू, यहाँ तक कोई है इश्यू पूछ लो मुझसे। आप हमेशा ऑन अपग्रेड के अंदर ड्रॉप ही क्यूरी लगाते हो और ऑन क्रिएट के अंदर हम टेबल को क्रिएट करने की क्यूरी लगाते हैं। ऑन अपग्रेड आपका जब ऑन अपग्रेड का मतलब है कि अगर मैं दोबारा टेबल क्रिएट हो रहा होगा ना तो ऑटोमेटिकली रिमूव हो रहा होगा, दोबारा से क्रिएट नहीं कर रहा होगा। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया ड्रॉप टेबल, ड्रॉप टेबल का मतलब होता है रिमूव करना, ठीक है। ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट स्टूडेंट, अगर पहले का स्टूडेंट का टेबल बना हुआ है तो उसको ड्रॉप करते रहे, दोबारा क्रिएट ना करें। और ऑन क्रिएट में इसलिए कॉल कर रहा हूँ कि ऑटोमेटिकली इसको चला दें, ये फंक्शन दोबारा को चला दें। डन, क्लियर, कोई मसला यहाँ तक? अच्छा, अब हम फंक्शन यहाँ पे बना लेते हैं। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी क्लास को एक्सटेंड किया है एसक्यूएल ओपन हेल्पर से और एक कंस्ट्रक्टर बनाया मैंने और यहाँ पे एक क्यूरी मैंने लिखी है क्रिएट टेबल की, हमने लास्ट लेक्चर में भी देखी थी, ठीक है। और एक मैंने क्यूरी लिखी यहाँ पे ड्रॉप की ऑन अपग्रेड में। डन, अब हम एक फंक्शन और बना रहे हैं। तो फंक्शन मेरा क्या करेगा, डेटा को इंसर्ट करेगा। डेटा को इंसर्ट करने के लिए हम एक फंक्शन बना रहे हैं, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पब्लिक बूलियन में मैं बना रहा हूँ, चलो बूलियन अभी रहने दो, वॉइड में बनाता हूँ, वॉइड इंसर्ट के नाम से बना रहा हूँ या इंसर्ट डेटा, जो भी आपने नाम रखना है आप यहाँ पे नाम रखिए। मैंने नाम क्या रखा, पब्लिक वॉइड इंसर्ट डेटा, क्लियर बात यहाँ तक? ओके, अच्छा ये मेरी बन रही है सिर्फ और सिर्फ एक क्लास। डन, इस क्लास का ऑब्जेक्ट मैं बनाऊंगा इधर मेन एक्टिविटी में, ठीक है। और इसके अंदर मैं ये वाली वैल्यूज को पास करूंगा। डन, अब वैल्यू पास कैसे होती है फंक्शन में, मुझे ये कॉन्सेप्ट बताओ। किसने कहा पैरामीटर्स के थ्रू? सही बोला, पैरामीटर्स के थ्रू, जावा के अंदर पॉइंटर्स नहीं है आपके, किसके थ्रू आप पास करते वैल्यू, पैरामीटर्स के थ्रू करते हो ना। तो आपकी एडिट टेक्स्ट वाली वैल्यूज मैंने भेजनी है डेटाबेस में, एडिट टेक्स्ट की वैल्यूज कहाँ पिक करोगे, यहां से, यहीं से पिक करोगे। फंक्शन कॉल कहाँ करोगे, सेव के अंदर, जब आप वैल्यू गेट कर लो, गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग वेरिएबल में सेव करवा ली वैल्यूज, वो आप भेजोगे फंक्शन में। लेकिन फंक्शन में भेजते कैसे हैं, पैरामीटर्स के थ्रू, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या बनाने पड़ेंगे, पैरामीटर्स वाला फंक्शन बनाना पड़ेगा ताकि फंक्शन के अंदर हमारी यहाँ पे वैल्यूज जाएं। क्लियर बात यहाँ तक, ये चीज समझ में आ गई? ओके, अब इंसर्ट डाटा के अंदर, अब मुझे नहीं पता मैं डाटा कितना इंसर्ट करना है अभी, अब आपके ऊपर, अभी जरूरी नहीं है कि सारे के सारे रिकॉर्ड आपको सेव कराने पड़ेंगे, मतलब सारे सारे कॉलम्स। डन, तो मैंने जो सा डाटा सेव करवाना है मैं उसके यहाँ पे पैरामीटर बनाऊंगा। कौन कौन से मैंने करवाना है, आईडी को तो नहीं करवाना ना, आईडी ऑटोमेटिकली बन रही है। नेम करवाना है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्ट्रिंग नेम, क्लियर। और क्या बनाना है, और हमने सेव करवाना है फादर नेम, ईमेल, पासवर्ड, एफ नेम, ईमेल, पासवर्ड, उसके अलावा और कौन कौन से हैं, एज, मार्क्स, जेंडर, कंट्री, एज, मार्क्स, जेंडर और क्या हमारा कंट्री, हमने सारी यही वैल्यू सेव करवानी है। तो मैंने सारी पैरामीटर्स में कर दी। डन,
अच्छा अभी जो मुझे आवाज आ रही है वो ये है जो मुझे कह रहे हो, देखो नेम हमारा स्ट्रिंग में था ऊपर टेक्स्ट में, एफ नेम भी हमारा टेक्स्ट में था, ईमेल भी किस में था, पासवर्ड किस में था, नंबर में था, एंड कर देंगे डन, या आपने लॉन्ग करना होगा लॉन्ग कर दीजिएगा, एज हमारा किस में था इंट में, मार्क्स हमारा किस में था, डबल कर देते हैं इसको टाइप, जेंडर हमारा स्ट्रिंग में हो गया, कंट्री हमारा किस में हो गया स्ट्रिंग में। अब जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे आपको पैरामीटर देने पड़ेंगे वहां पे मेन एक्टिविटी में, तो वैल्यू पास हो जाएगी, क्लियर बात यहां तक। ओके अब वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा, आपने अभी क्लास एक्सटेंड की थी SQLite ओपन हेल्पर, SQLite ओपन हेल्पर आपकी एक्सटेंड होती है आपकी कस्टम क्लास के साथ, मतलब यूजर डिफाइंड क्लास के साथ। अब इसके अंदर जो हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे SQLite डेटाबेस की क्लास, कौन सी बनाएंगे SQLite डेटाबेस की क्लास, SQLite डेटाबेस की क्लास के थ्रू मैं डाटा इंसर्ट डिलीट अपडेट और व्यू करूंगा, डन ठीक है। SQLite ओपन हेल्पर हमारी पेरेंट क्लास होती है जिसको आपने एक्सटेंड करना होता है अपनी डिफाइंड क्लास के साथ, और SQLite डेटाबेस के अंदर आपके फंक्शंस हैं इंसर्ट के, डिलीट के, व्यू के और अपडेट के। यहां तक बात क्लियर? मैंने यहां पे लिखा SQLite डेटाबेस, डेटाबेस ऑब्जेक्ट बनाया इज इक्वल टू दिस डॉट गेट। अच्छा अब यहां पे दो आपको मिल रही हैं, एक रीडेबल डेटाबेस और एक मिल रही है राइटेबल डेटाबेस। इन दोनों में फर्क सुनो क्या है, रीडेबल डेटाबेस हम तब यूज करते हैं जब आपने उसमें कोई कस्टमाइजेशन नहीं करनी है, जस्ट व्यू करना है, जस्ट क्या करना है व्यू करना है, तो हम यूज कर लेते हैं रीडेबल। अगर आपने रीडेबल यूज किया होगा आप उसके अंदर डेटा इंसर्ट नहीं कर पाओगे, ना आप अपडेट कर सकोगे, ना डिलीट, क्योंकि डिलीट का मतलब भी है डेटाबेस में क्या हो रही है, चेंजिंग हो रही है, क्लियर। राइटेबल अगर यूज करोगे, राइटेबल का मतलब है इंसर्ट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो और अपडेट भी। अच्छा राइटेबल के थ्रू हम व्यू भी कर सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि राइटेबल का मतलब होता है लाजमी इसमें कोई चेंजिंग हो, राइटेबल के थ्रू आप व्यू भी कर सकते हो लेकिन रीडेबल के थ्रू सिर्फ व्यू होगा, डन बात यहां तक। अभी हम कौन सा यूज कर रहे हैं राइटेबल, ये इसका सिंटैक्स है, आपने लिखना है दिस डॉट गेट राइटेबल डेटाबेस, यहां तक कोई मसला, कोई मसला नहीं। अच्छा आपने अभी देखा था अरे लिस्ट, अरे लिस्ट देखा था, अरे लिस्ट क्या होता है, अरे लिस्ट के अंदर सिर्फ हम वैल्यू पास कर रहे होते थे, ठीक है। हमने जब डेटाबेस के अंदर जब वैल्यू भेजनी होती है वो हमारी अरे लिस्ट के थ्रू नहीं जाती, वो हमारी जाती है कंटेंट वैल्यूज के थ्रू, किसके थ्रू जाती है कंटेंट वैल्यू, कंटेंट वैल्यू इज सेम लाइक अरे लिस्ट, ठीक है। लेकिन उसमें फर्क सिर्फ कितना है, मैं यहाँ पे कंटेंट वैल्यूज का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ जिस तरह हम अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सेम कॉन्सेप्ट वही है। आपने यहाँ पे लिखना है कंटेंट वैल्यूज, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाया सीवी इज इक्वल टू न्यू कंटेंट वैल्यूज, इसी तरह अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाते थे, ठीक है। अच्छा अरे लिस्ट के अंदर होता क्या था, अरे लिस्ट के अंदर होता था आपका ऑब्जेक्ट नेम, ये सिंटैक्स लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, डॉट एड और एड की ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिखते रहे जस्ट वैल्यू, जो भी आपने वैल्यू सेव करवानी। लेकिन इसके अंदर अब आपका क्या होगा, इसके अंदर होगा ऑब्जेक्ट नेम डॉट एड और इसके अंदर आपको दो देने पड़ेंगी, एक की और दूसरा वैल्यू, एक आपको की देनी पड़ेगी और दूसरा क्या देना पड़ेगा वैल्यू। की का मतलब पता है बट इस की का मतलब होता है किस इंडेक्स में सेव करवाना चाह रहे हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं की, मतलब एड्रेस, डन बात यहां तक। आपकी अरे लिस्ट के अंदर भी आपकी की होती है, ये आपको मैं बता दूं, आप अरे लिस्ट के अंदर भी दे सकते हो 1, 2, 8, 10, लेकिन इसमें मसला क्या है, अरे लिस्ट के अंदर जो कीज होती है वो आपकी न्यूमेरिक होती है, कौन सी होती है न्यूमेरिक, न्यूमेरिक मैंने बोला नंबर्स नॉट डेसिमल, लेकिन कंटेंट वैल्यूज के अंदर जो की होती है वो आपकी होती है अल्फाबेटिकली, क्लियर बात यहां तक। ओके कोई मसला यहां तक। अब हम यहां पे क्या लिखेंगे,
सॉरी मैंने यहाँ पे ऐड लिखा है, इसके अंदर हमारा होता है पुट का फंक्शन, सॉरी हम तो किस नाम से हमारा, पुट के नाम से, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीवी डॉट पुट, देन सबसे पहले आपने बतानी है की, वो भी हमारी स्ट्रिंग में होगी, उसके बाद बतानी है आपने वैल्यू, वो भी हमारी किसमें होगी, स्ट्रिंग में। अच्छा ये कीज होंगी क्या, कीज को हम बेसिकली यहाँ पे कहेंगे, क्योंकि कंटेंट वैल्यूज का मतलब ये होगा, कंटेंट वैल्यूज का आपने के अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज रखोगे और सिर्फ किसको पास करोगे, सीवी को। सीवी हमारा किसका ऑब्जेक्ट है, कंटेंट वैल्यू, जिसने हमने अरे इसके अंदर एक क्लास बनाई थी और क्लास का ऑब्जेक्ट पास किया था, उसका मतलब क्या हुआ था, उस ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी वैल्यूज है, मल्टीपल वैल्यूज थी। देन इसी तरह करके आप कंटेंट वैल्यूज का ऑब्जेक्ट पास करोगे जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज है। अब ये ऑब्जेक्ट जाएगा कहाँ पे, ये जाएगा ऑब्जेक्ट हमारा जाएगा टेबल में, और टेबल में जाके सारी वैल्यूज को सेट करेगा। डन बात यहाँ तक, ओके। अब इसको क्या पता है किस कॉलम में सेट करनी है, तो हमारा इंडेक्स, ये जरा बात गौर सुन लो, हमारे इंडेक्स का नाम वही सेम टू सेम होगा जो हमारे कॉलम का नाम है। ये आप सीवी उसको भेज रहे हो, अब ये टेबल में जाएगा, जो इंडेक्स आपने बताया बना ये उस इंडेक्स पे जाके उसकी वैल्यू सेव कर देगा, मतलब इंडेक्स का मतलब है उस कॉलम में जाके वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, सेव हो जाएगी, क्लियर, ओके। इसको हम देख लेते हैं, हमारे टेबल का तो हमारे कॉलम का नाम बिल्कुल सेम टू सेम हो, एक हमने नेम में स्टोर करना है, तो मैं आपको कहूंगा खुद टाइप ना कीजिएगा, कॉपी कीजिएगा काइंडली, ये नेम हो गया, एक हमारा ये इंडेक्स हो गया, ठीक है। मैंने एक नेम का बना दिया यहाँ पे, उसके अलावा कौन कौन से यहाँ पे, एक एफ नेम, ये कॉलम्स नेम की मैं बात करूँ, ये वेरिएबल्स नेम की मैं बात नहीं कर रहा, एक एफ नेम हो गया, एक ईमेल हो गया, उसके अलावा एक पासवर्ड हो गया हमारा, एक एज, एज मार्क्स जेंडर, एज मार्क्स जेंडर हो गया, और ये हमारा हो गया यहाँ पे कंट्री। यहां तक बात क्लियर, आपने की वही रखनी है जो आप कॉलम्स की नेम है, सेम टू सेम, वरना ये उसको समझ नहीं आना कि ये वाली वैल्यू मैंने कहाँ पे भेजनी, कौन सी वाली वैल्यू का मतलब है, ये वाली वैल्यू। अगर आप यहाँ पे इंडेक्स गलत दे दोगे तो उसको वो उस नाम का कॉलम नहीं मिलेगा, तो उसको समझ नहीं आने की वाली वैल्यू कहाँ पे सेव करूँ, तो आपकी ऐप बार बार क्रैश होगी, क्लियर बात यहाँ तक। अच्छा अब ये वैल्यू क्या है, अब ये वैल्यू अगर आप यहाँ पे लिख देते हो उमेर इस तरह करके, अली इस तरह करके, तो जितनी बार आप क्लिक करोगे यही वैल्यू सेव करेगा, ठीक है। तो हमने वैल्यूज कौन सी देनी है यहाँ पे, जो हमारे पास पैरामीटर्स आ रहे हैं, पैरामीटर्स हमारी वैल्यूज भेज रहे हैं, ये हमारा नेम होगा, फादर नेम हमारे किस वेरिएबल में आ रहे हैं, एफ नेम में आ रहे हैं। अब पैरामीटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये पैरामीटर्स हैं आपके, ठीक है। ईमेल हमारे किस वेरिएबल में आ रहा है, पैरामीटर में, ईमेल का वेरिएबल बनाया था। पासवर्ड का कौन सा वेरिएबल था, पासवर्ड के नाम से था, मैंने पास नाम रखा था, इसका मैंने क्या नाम रखा था, पासवर्ड। ये मेरे वेरिएबल्स नेम है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। और ये हमारा एज हो गया, ये हमारा मार्क्स हो गया, ये हमारा यहाँ पे हो गया जेंडर, और ये हमारा यहाँ पे हो गया कंट्री। देर बाद यहाँ तक कोई इशू, समझ आ गई बात की। ये हमारे कॉलम्स नेम है जिसको हम इंडेक्स कह रहे हैं, और ये मेरा वेरिएबल नेम है जो मेरा पैरामीटर्स के थ्रू आ रहा है। डन, ओके। अब इसको हम सेव किस तरह करेंगे, फंक्शन कॉल करना है। ये सिर्फ और सिर्फ अभी आपने कंटेंट वैल्यूज बनाई है जिसका ऑब्जेक्ट बना के सारी वैल्यूज सेट की हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लगानी इंसर्ट की क्यूरी, ओके। इंसर्ट की क्यूरी किस तरह लिखोगे, हमने अभी एक ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया भाई डेटाबेस का, मैंने आपको कहा था इसके अंदर हमारे पास इंसर्ट की क्यूरी है, डिलीट की है, व्यू की है, ठीक है। तब आप यहाँ पे लिखोगे या इसके नीचे डेटाबेस, ठीक है, डॉट इंसर्ट, डेटाबेस डॉट इंसर्ट। अब जब इंसर्ट दे रहे हो, सबसे पहले आपसे क्या मांग रहा है, आपसे
स्ट्रिंग में आप मांग रहे हैं टेबल, तो टेबल का नाम हमारा क्या था जो हमने ऊपर रखा था, वो आपसे मांग रहे हैं स्टूडेंट, टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या मांग रहे हैं आपसे, स्टूडेंट, स्ट्रिंग में देना है, लिखा था स्ट्रिंग, डन। दूसरा आपसे क्या मांग रहा है, दूसरा हमसे मांग रहा था उसको हमें नल देना है, या आपने खुद कहा नल देना है, यहाँ पे नल कॉलम है, ठीक है। और तीसरा हमसे मांगेगा वैल्यूज, उस वैल्यूज हमने किसके अंदर पास करा रहा हूँ, सीवी के अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो आप वैल्यू सेव कर सकते हो वो एक वैल्यू पास करा सकते हो, मतलब एक, तो वो हमने किसके थ्रू पास करा दी है, ऑब्जेक्ट के थ्रू। अब ऑब्जेक्ट के थ्रू हमारे हमारी कितनी वैल्यूज गई है, एक वैल्यूज, मैं यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल पास नहीं कर सकता, सिर्फ एक वैल्यू पास होगी, तो वो मैंने क्या कर दी है, ऑब्जेक्ट के थ्रू मल्टीपल वैल्यूज पास कर दी, डन। अब जिस तरह फंक्शन होता है, फंक्शन के अंदर आप कितनी वैल्यू सेंड कर सकते हो, रिटर्न, सॉरी, एक। अगर आप कुछ सिनेरियो ऐसे लगे कि आपको टू वैल्यूज रिटर्न करनी पड़े तो क्या करोगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू करेंगे, गुड। किसके थ्रू रिटर्न करेंगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू रिटर्न करोगे, ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा, फेच कर लेना दोनों वैल्यूज, फेच करना आपको मैंने बता दी थी अरेली से, याद है वो आपने फॉर लूप में काम किया था, डॉट वेरिएबल मिल गया था आपको, वैल्यूज मिल गई थी, डन, क्लियर। ये आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंसर्ट कर रहा है, ठीक है, ये लाइन आपकी इंसर्ट कर रही है, यहाँ तक आपको इंसर्ट है कोड फिनिश डेटाबेस में, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मुझे रिस्पॉन्स भी मिले कि मेरी वैल्यू सेव हुई भी है या नहीं हुई है, सेव मेरी हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो अभी इसकी रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड, मैं इसकी रिटर्न टाइप कर देता हूँ बूलियन, बूलियन का मतलब होगा ट्रू फॉल्स मुझे मिल जाएगा, डन। मैंने बूलियन किया, अभी यहाँ पे एरर दे रहा है कि मुझे कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करो, कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बूलियन का वेरिएबल बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बूलियन, और यहाँ पे लिख देता हूँ आर ई एस इज इक्वल टू दिस, सॉरी बूलियन नहीं लिखेंगे, सॉरी हम यहाँ पे लिखेंगे लॉन्ग, लॉन्ग आर ई एस इज इक्वल टू, वो जो आगे हमने लिखा सारा हमने इज इक्वल टू में कर दिया, ठीक है। अगर वैल्यू सेव हो रही होंगी तो ये आपको रिटर्न करेगा, अगर आपने रिकॉर्ड सेव किया वन, दो रिकॉर्ड सेव किए टू, थ्री रिकॉर्ड सेव किए थ्री, इस तरह करके आपको मिले, कोई रिकॉर्ड सेव नहीं हुआ तो जीरो, डन। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा, इफ आर ई एस डबल इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन का मतलब है कोई भी रिकॉर्ड मेरा सेव नहीं हुआ, एल्स उसके अलावा कोई नंबर आए तो रिटर्न कर दे ट्रू, डन। जीरो का मतलब है कोई रिकॉर्ड सेव नहीं हुआ ना, एरर तो नहीं आया ना, माइनस वन का मतलब है कि आपका एरर आया, एरर का मतलब हो गया आपने कोई गलती की थी, डन। अब मैं सिर्फ माइनस वन को हैंडल कर सकता था ना, मैं बाकी नंबर्स को तो हैंडल करने से रहा, हमें यहाँ पे लिख दूँ जीरो वन टू सबके ट्रू ट्रू रिटर्न करूँ, तो मैंने सिर्फ एक माइनस वन को फॉल्स में रख दिया, एल्स के मतलब है बाकी सारे नंबर्स मेरे का मतलब क्या होगा, रिकॉर्ड्स मेरे सेव हुए हैं, डन। बात यहाँ तक क्लियर, कोई इशू यहाँ तक, ये आपको आर एस का मतलब होगा, ये आपको इसमें वैल्यू भेजेगा लॉन्ग में, आपने लॉन्ग में करना होगा, ठीक है, डन। ये मैंने चेक लगाया है, वरना इसकी जरूरत नहीं थी, सिर्फ चेक था, अब इसके थ्रू आपको पता लगेगा कि मेरा रिकॉर्ड सेव हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, अब मेन एक्टिविटी में आते हैं, मेन एक्टिविटी के अंदर आके मैंने सारा काम किया हुआ इसका, ओके। अब यहाँ पे हम सिर्फ एक वेरिएबल बना लेते हैं, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग एफ नेम, स्ट्रिंग एज, स्ट्रिंग नंबर, सॉरी स्ट्रिंग मार्क्स का एक हमने बनाया था, स्ट्रिंग जेंडर का एक बनाया हमने, और कौन कौन से बनाए हैं, स्ट्रिंग पासवर्ड, स्ट्रिंग ईमेल और स्ट्रिंग कंट्री, डन। ये सारे वेरिएबल्स बना लिए जिनके अंदर मैंने वैल्यू सेव करानी, तो नेम के साथ में क्या लिखूंगा, इज इक्वल टू ई टी नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, उस ऑब्जेक्ट से वैल्यू फेच करेगा और सेव किसके अंदर कर देगा, नेम वाले वेरिएबल में, डन। ये आप लोगों ने काम किया हुआ है, इज इक्वल टू ई टी एफ नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, अब एज का भी यही है, ई टी एज डॉट गेट टेक्स्ट
डॉट टू स्ट्रिंग। अच्छा मैंने एज इंट में ली हुई है, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में क्यों करवा रहा हूँ, कोई मुझे रीजन बता सकता है? ये मैंने बताई थी आपको रीजन इसकी। मैंने वहां पे एक्सएमएल में भी जो एज का बनाया हुआ वो भी मेरा नंबर ही है, वो मेरा वहां पे टेक्स्ट नहीं है, नंबर है, तो सिर्फ नंबर एंटर होंगे। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग क्यों यूज की मैं ये पूछ रहा हूँ, आपके सामने एरर नहीं आ रहा? आप लोगों को मैंने बताया हुआ है जब भी आपके एडिट टेक्स्ट की जो वैल्यू पिक करोगे वो आपकी ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में आएगी, चाहे उसकी टाइप आपकी इंट है, चाहे आपकी उसकी टेक्स्ट पासवर्ड है, चाहे नंबर पासवर्ड है, जो भी है उसने आना किसमें, आपके पास स्ट्रिंग में आना। ये आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन की थी बात ये, ठीक है? क्योंकि जब आप एंड पे ऑटोमेटिकली टू स्ट्रिंग लिखते हो तो ये आपकी इस वैल्यू को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, स्ट्रिंग में। टू स्ट्रिंग वाला जो फंक्शन होता है ये इसको कास्ट कर रहा है स्ट्रिंग वाली टाइप में, तो ये आपका स्ट्रिंग वाले ही वेरिएबल पे सेव होगा। डन, क्लियर बात यहां तक? अब स्ट्रिंग मार्क्स इज इक्वल टू ईटी मार्क्स डॉट गेट टेक्स डॉट टू स्ट्रिंग। डन, उसके अलावा जेंडर है, जेंडर को हमने कहां से पिक करना है? जेंडर हमारा रेडियो बटन से पिक होगा, वो हमने यहां से नहीं करना, पासवर्ड करना है, ईटी पासवर्ड डॉट गेट टेक्स डॉट टू स्ट्रिंग। ईमेल ईटी ईमेल डॉट गेट टेक्स डॉट टू स्ट्रिंग। और कंट्री भी हमने यहां से पिक नहीं करना, कंट्री हम कहां से पिक करेंगे? स्पिनर से, स्पिनर कोड आपको मैंने करवाया हुआ है। क्लियर, डन। अब यहां पे हम स्पिनर कोड करना है, अब हमने स्पिनर कोड क्या था हमारा, बट पहले हमने क्या बनानी यहां पे, वो आप लोगों को मैंने बताया हुआ कि आपने स्टाइल के थ्रू आना है, जिसके थ्रू आना है आपकी मर्जी है, ठीक है? अरे लिस्ट यहाँ पे हम बना लेते हैं स्ट्रिंग, कंट्री नेम इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं कंट्री नेम डॉट एड इस चीज का आइडिया है, ये आपको मैंने एक्सप्लेन की हुई बात ये, उस कंट्री दे दिया इसको मैंने। यूके मैंने लेट्स सपोज अगर ये ले लिया, ठीक है, हमने अरे लिस्ट बना ली। अब हम किसको किस तरह कनेक्ट करेंगे, अडैप्टर के थ्रू। अडैप्टर कौन से वाला, अरे अडैप्टर, अरे अडैप्टर कौन से वाला होगा, स्ट्रिंग अडैप्टर इज इक्वल टू न्यू अरे अडैप्टर, और यहाँ पे हम लिख देंगे स्ट्रिंग, और यहाँ पे क्या लिखोगे? सबसे पहले हमारा कॉन्टेक्स्ट है दिस, उसके अलावा वो आपसे पूछ रहे हैं लेआउट, कस्टम लेआउट बनानी होगी, वो आपको मैंने बता दी थी, ठीक है? अभी हम कस्टम नहीं बना रहे, अभी बस मैं बिल्ट इन यूज कर लेता हूँ, एंड्रॉयड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट सिंपल लिस्ट आइटम वन, और उसकी वैल्यूज कौन सी हैं, कंट्री नेम, डन। और इस एडेप्टर को बने अटैच करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सॉरी एस पी कंट्री डॉट सेट अडेप्टर, अडेप्टर के अंदर में कौन सी वैल्यू सेट कर दी, स्पिनर के अंदर अडेप्टर की वैल्यूज आ गई, ठीक है? अब हमने फेच करने के लिए क्या किया था, स्पिनर का ऑब्जेक्ट डॉट सेट ऑन विच वन आइटम सिलेक्टेड लिस्नर, न्यू ऑन आइटम सिलेक्टेड लिस्नर, ये आपके सामने आ गया। अब वैल्यूज कैसे फिक करते थे, मैं पहले यहाँ पे एक बना लेता हूँ प्राइवेट स्ट्रिंग कंट्री, क्या लिखते रहे यहाँ पे, कंट्री इज इक्वल टू
विच वन? एडेप्टर व्यू का ऑब्जेक्ट का नाम क्या? पेरेंट डॉट गेट आइटम, गेट आइटम एट पोजिशन, इसके अंदर हम पास कर दे रहे पोजिशन गिरा, ठीक है, और डॉट टू स्ट्रिंग, इसको किसमें कन्वर्ट कर देना है? डॉट टू स्ट्रिंग में। जो भी आप सिलेक्ट करोगे ऑटोमेटिकली इस वेरिएबल में सेव हो गया, हमारा कंट्री भी डन हो गया, डन। अच्छा, जो जेंडर वाला है, जेंडर का कोड थोड़ा अभी बड़ा है, तो अभी मैं जेंडर की तरफ नहीं आ रहा, डन बात यहाँ तक। अभी जेंडर में की वैल्यू पिक किस तरह करनी है मैं बाद में बताऊंगा, अभी हम उसको हार्ड कोडेड वैल्यू दे देंगे, उसको मेल पास कर देंगे, डन। क्लियर बात यहाँ तक? अभी सिर्फ मैं आपको डेटाबेस को वाइंड अप करना चाह रहा हूँ। हमने क्या करना है, हमने इस क्लास का ये वाला फंक्शन कॉल करना है। किस तरह करोगे? क्लास है, आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। हमारी क्लास का नाम यहाँ पे क्या है? माई डी बी। तो आप, आपके ऊपर चॉइस है, या तो आप ये करो, आपके पास चॉइस है, या तो आप यहीं पे ऑब्जेक्ट बना दो, माई डी बी इज इक्वल टू न्यू डी बी। मैं इसको ग्लोबल करना चाह रहा हूँ, तो मैं ऑब्जेक्ट ऊपर बना रहा हूँ, माई डी बी डी बी ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया। मेमोरी एलोकेट यहाँ पे नहीं करनी है आपने, मेमोरी एलोकेट जब भी ऑब्जेक्ट ही करनी होगी वो कहाँ पे करनी होगी? ऑन क्रिएट में, डन। ऑन क्रिएट के अंदर मैं मेमोरी एलोकेट कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ मैं माई डी बी, सॉरी डी बी नाम रखा, डी बी इज इक्वल टू न्यू माई डी बी, और उसके अंदर हमने क्या पास करना है? एक पैरामीटर हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर बनाया था, वो कौन से वाला था? कॉन्टेक्स्ट का था, दैट्स मीन यहाँ पे हमने क्या पास करना है? ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं फंक्शन कॉल कर सकता हूँ, डन। फंक्शन कॉल कब करना है मैंने? जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ, सेव वाले बटन पे, जब मैं सेव वाले बटन पे क्लिक करूँ तब मैंने फंक्शन कॉल करना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे, सॉरी डी बी हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है, डॉट इंसर्ट डेटा, ये हमारे फंक्शन का नाम था। अब वो इंसर्ट डेटा के अंदर आपसे क्या मांग रहा है? पैरामीटर्स मांग रहा है। पहला पैरामीटर हमारा कौन सा है? नेम का, और नेम की कौन से वाला होगी? स्ट्रिंग में। तो हमारा नेम किस वेरिएबल के अंदर आ रहा? सेम नाम है, नेम, डन। दूसरा पैरामीटर हमारा कौन सा है? अब दूसरा हमारा फादर नेम का, यहाँ पे देख लेते हैं पैरामीटर सिक में सेम होने चाहिए, एफ नेम, और वो भी हमारा किस में? स्ट्रिंग में। तो अब आप यहाँ पे लिख दोगे एफ नेम। तीसरा हमारा यहाँ पे कौन सा है? ईमेल है, तो आपने यहाँ पे भी किस में देना है? वो भी हमारा ईमेल के वेरिएबल के अंदर जा रहा है, डन। चौथा पैरामीटर कौन सा है हमारा? पासवर्ड, और वो किस टाइप में है? इंट में। आपका पासवर्ड किस वाले वेरिएबल में सेव हुआ है? पास, हम अभी ये लिख देते हैं पास, डन। अभी मैं आपको बता दूं, लेकिन ये एरर है। उसके अलावा नेक्स्ट वन हमारा कौन सा है? एज, हमने यहाँ पे एज लिख देते हैं, ये भी हमारा भी एरर है, डन। उस पैरामीटर्स का सीक्वेंस सेम होना चाहिए जो फंक्शन में डिफाइन किया हुआ है, आप लोगों को पता है, वैल्यूज गलत पास हो जाएंगे वरना, डन। उसके अलावा ये हमारा मार्क्स डबल में, हमने मार्क्स यहाँ पे लिए हुए मार्क्स, ये भी हमारा यहाँ पे भी एरर है, इसको भी हमने अभी चेंज करना है। उसके अलावा जेंडर, जेंडर स्ट्रिंग में है, जेंडर के भी वैल्यू देना नहीं बताई, तो अभी हम हार्ड कोडेड दे देते हैं। मैंने लिख दिया यहाँ पे डायरेक्ट मेल, सेव मेल ट्रैक सेव करवाएगा, आप कोई वैल्यू पिक नहीं कर रहा कहीं से, डन। उसके अलावा नेक्स्ट वन हमारा क्या, यहाँ पे कंट्री, कंट्री पिक कर रहा है, कंट्री का वेरिएबल मैंने बनाया था कंट्री के नाम से, वो यहाँ पे बनाया था, ये रहा, ये कंट्री में सेव कर रहा है ऑटोमेटिकली, जब वैल्यू पिक करो किसमें सेव हो जाएगा? कंट्री में, डन, ओके। अच्छा, अब मसला क्या कर रहा है, वो आपको टाइप का मसला कर रहा है। जब आप इधर देखोगे, इधर पासवर्ड एज और मार्क्स, क्योंकि आपने वहां पे क्या बनाए थे? इंट, इंट और डबल, लेकिन हम क्या पास करें? तीनों स्ट्रिंग में। अब हमने क्या करनी पड़ेगी? टाइप कास्टिंग, जिसको हम कहते हैं पार्सिंग, डन। पार्सिंग को किस तरह करोगे अब? आपने एक नया वेरिएबल बनाना है, इंट न्यू एज के नाम से रख देता हूं, इंट न्यू पासवर्ड के नाम से रख देता हूँ, वेरिएबल का नाम चेंज होना चाहिए,
और अगला डबल है, डबल न्यू मार्क्स के नाम से करो, डन। अब पार्सिंग किस तरह करोगे, हम यहां पे लिखेंगे इसको इंटीजर में करना है, इंटीजर डॉट पार्स इंट, और इस पार्स इंट के अंदर हम दे देंगे एज, ठीक है। एज हमारे यहाँ पे बेसिकली स्ट्रिंग में था, हमने यहाँ पे लिखा है इंटीजर में, इसको कन्वर्ट कर दो और इसको मैंने इंटीजर वाले वेरिएबल में सेव करवा दिया, डन बात यहाँ तक। अब मेरा पासवर्ड भी इंटीजर में करना है, इज इक्वल टू सेम लिखोगे इंटीजर डॉट पार्स इंट, लेकिन किसको करना है, पासवर्ड वाले वेरिएबल को। पासवर्ड वाला वेरिएबल हमारा स्ट्रिंग में था लेकिन न्यू पास हमारा किसमें, इंटीजर में। अच्छा आप डबल के लिए क्या लिखोगे, डबल गुड, ये जो डबल और इंटीजर आ रही है हमारी रैपर क्लासेस आ रही हैं, ये हमारी क्या है रैपर, तो बड़ी बड़ी नाम पहला कैरेक्टर हमेशा बड़ा होना चाहिए, डबल डॉट पार्स डबल, सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, डबल डॉट पार्स डबल। और कौन सा वेरिएबल था हमारा, ये हमारा था मार्क्स का, वो हमने इसमें पास कर दिया, क्लियर। वही वैल्यू होंगी, सेम वैल्यू होंगी, जस्ट उनकी टाइप बदल गई है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ये वाले वेरिएबल पास करने, एज की जगह क्या पास करेंगे, न्यू एज गुड, और मार्क्स की जगह क्या एंटर करेंगे यहाँ पे, न्यू मार्क्स, और पासवर्ड पे एक एरर दे रहा है आपको, पासवर्ड पे हम क्या एंटर सेव करेंगे, न्यू पास, दैट्स इट, क्लियर, ठीक है। अच्छा अब ये वैल्यू सेव कर रहा है, इसको मैंने सेव करवाना है बूलियन में, बूलियन एबीसी इज इक्वल टू, इसका मतलब ये है कि मुझे बूलियन इसलिए चाहिए क्योंकि मेरे फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या थी, बूलियन थी, वो कोई ना कोई रिस्पांस दे रहा होगा, तो ये जो मैंने लाइन लिखी है मैंने किसमें सेव करवा दी, बूलियन में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन क्या लगाऊंगा, इफ एबीसी, एबीसी का मतलब क्या होगा, ट्रू, अगर ये ट्रू है तो टोस्ट कर दे डेटा सेव्ड, डेटा, किसने एबीसी का नाम पूछे, सॉरी एबीसी के अंदर आपका ऑटोमेटिकली ट्रू आएगा, वो क्यों आएगा, ये आप भूल रहे हो, मैं यहाँ पे वैल्यू रिटर्न कर रहा हूं, वैल्यू वापस आ रही है, या तो फॉल्स आ रही होगी या तो ट्रू आ रही होगी, डन। अगर ट्रू आ गया है दैट्स मीन्स डेटा सेव्ड, अगर वरना एल्स में मैं यहाँ पे दे दूंगा, ये सिर्फ चेक का, ये जरूरी नहीं था, ठीक है, ये आप लोगों को मैंने पहले बता दिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट सेव्ड, दैट्स इट, ये हमारा सिर्फ अभी इंजाड़ा कोड हुआ है, क्लियर। इसको अब हम चला के देखते हैं, डन। ये नेम देखो, इधर देखो यार काइंडली, उमेर, फादर नेम अहमद, ईमेल u@gmail.com, पासवर्ड 12345, एज 24, मार्क्स 85। बाकी आपको मैंने बता दिया, इसमें मैंने कुछ नहीं लगाया हुआ जेंडर पे, तो उसको अगर आपने स्किप करना स्किप ही कर दो, क्योंकि अभी हमने यहाँ से वैल्यू लेना, और ये लिख दिया मैंने यूएसए, क्लियर, और सेव रिकॉर्ड, डेटा सेव, हमारा डेटा सेव हमारी डेटाबेस के अंदर हो गया, क्लियर बात यहाँ तक, ओके, ठीक है। अच्छा अब आगे आते हैं, जस्ट ये लास्ट है, रीसेट का मतलब क्या होता है, रीसेट का मतलब होता है खाली कर देना, गुड, बिल्कुल। तो हमने खाली किसको करना है, इनको, इसको 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 हमने क्या करना है, खाली करना है। अभी आप बटन पे क्लिक कर रहे हो, कुछ नहीं हो रहा, खाली करने का मतलब ये है। अच्छा खाली करने के दो तरीके, एक होगा आप दोबारा इसी पेज पे इसको भेज दो इंटेंड करा के, पेज रिफ्रेश हो गया, ठीक है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट गलत है,
ठीक है, आपने दोबारा इस पेज में नहीं भेजना, कॉन्सेप्ट गलत है। हमने इसको क्या करना है, फील्ड्स को एम्प्टी करना है। तो वो किस तरह करोगे, फील्ड्स हमारी कौन सी वाली है, इनको इनको करना है। दैट्स मींस इनके ऑब्जेक्ट नेम क्या है, एटी नेम, ठीक है, डॉट। आप गेट टेक्स्ट लिखते हो, क्या लिखते हो, गेट टेक्स्ट। गेट टेक्स्ट का मतलब होता है टेक्स्ट मैंने लेना है। और एक फंक्शन होता है सेट टेक्स्ट। सेट टेक्स्ट का मतलब हो गया कि मैंने वैल्यू सेव करानी है प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है। तो मैं प्रोग्राम के थ्रू वैल्यू सेव कराना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेट टेक्स्ट, ठीक है। सेट टेक्स्ट अगर आप बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिख देते हो एबीसी, और इसको मैं भी चला के दिखाता हूँ। जब मैं सेट टेक्स्ट एबीसी लिखूंगा ना यहाँ पे, अब देखो क्या होगा, एटी नेम वाले में मैं कर रहा हूँ क्लियर, ऑटोमेटिकली एबीसी आ गया। मैंने इसको खाली करना है, दैट्स मींस मैं बस ये लिखूंगा, जस्ट ये लिखना और कुछ भी नहीं करना। अब देखो मैं क्लियर करता हूं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ आपने यहां पे हर किसी के साथ ऑब्जेक्ट के साथ लगाना है डॉट सेट टेक्स्ट दिस वन, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्लियर।